नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की प्रमुख खबरों को। सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन पर 33 सेंटीमीटर का गहरा निशान। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई जांच की हस्तक्षेप के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सबकी परेशानी बढ़ा दी है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच में तेजी को आगे बढ़ाई गई है। वहीं सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने खुलासा किया है कि मुंबई पुलिस के दबाव में उन्होंने आनन फानन में पोस्टमार्टम किया था, जिसके बाद सुशांत की 7 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। 5 डॉक्टरों की टीम ने रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के अनुसार सुशांत की गर्दन पर तिल का निशान था और उसकी जुबान बाहर नहीं निकली हुई थी, जैसा कि आमतौर पर देखने को मिलता है। दांत ठीक से शरीर पर और कोई चोट के निशान नहीं थे। उनकी आंख की पलक आंशिक रूप से खुली थी और शरीर के किसी भाग में कोई हड्डी नहीं टूटी हुई थी। के सभी आंतरिक अंग सही थे और उनकी गर्दन की गोलाई 49.5 सेंटीमीटर थी, जबकि गले के नीचे 33 सेंटीमीटर लंबा गहरा निशान था। रस्सी का निशान 8 सेंटीमीटर नीचे था। वहीं गले की बाईं तरफ निशान की मोटाई 3.5 सेंटीमीटर थी। इन सब के बीच सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने इस रिपोर्ट पर फिर से सवाल खड़ा किया है। उनका कहना है कि रिपोर्ट में उनके जान कब गई इसका वक्त नहीं बताया गया है, जो कि रिपोर्ट का सबसे अहम हिस्सा होता है। 68 दागी अफसरों और कर्मी को चुनाव कार्य से किया जाएगा दूर। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बिहार के 68 दागी अफसरों और कर्मियों की सूची जारी कर दी गई है, जिन्हें बिहार विधानसभा चुनाव के काम से अलग रखने का निर्देश दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारियों के आयोग ने इसकी वर्तमान तैनाती की जानकारी भी मांग ली है। पिछले चुनाव में संदिग्ध गतिविधियों और लापरवाही का प्रमाण पेश करने वाले अफसरों और कर्मियों के खिलाफ सख्ती दिखाई गई है। चुनाव आयोग के निर्देश पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रंजीत ने दागी अफसरों और कर्मियों की सूची जारी की है। आयोग के जिला निर्वाचन पदाधिकारी से पूछा गया है कि वर्तमान में वो कहां पर तैनात है। यदि इनमें से किसी भी आयोग के संज्ञान में लाए गए कोई भी कर्मी अगर निर्दोष करार किए गए हैं तो वो उसकी जानकारी चुनाव आयोग को दे दी जाएगी। चुनाव आयोग में दागी बताए गए सभी अफसरों और कर्मियों को चुनाव कार्य से अलग रखने का निर्णय लिया गया है। हालांकि निर्वाचन कार्य के दौरान इन कर्मियों और अधिकारियों का नियंत्रण चुनाव आयोग ही करेगा। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में बिहार का मूलवासी होना हुआ अनिवार्य। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। सरकार ने प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के लिए बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले पूरे भारत में अभ्यर्थी नियोजन प्रक्रिया में शामिल हो सकते थे। इसके अलावा कक्षा 1 से 5वीं तक की टीईटी और समकक्ष स्पर्धाओं से मिलने वाली सुविधाओं को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए मेरिट निर्माण में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्क्स का मूल्यांकन नहीं किए जाने की बात को भी दोहराया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल स्नातक डिग्री और बीएड उपाधि की अनिवार्यता ही को मिलेगी। यह प्रावधान बिहार सरकार की तरफ से अधिसूचित की गई शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक प्रधानाध्यापक और शिक्षा अनुदेशक के नियुक्ति और प्रोन्नति और उनकी सेवा शर्त संबंधी नियमावली में किए गए बदलाव में किया गया है। वहीं शिक्षकों को 12 साल होने पर प्रोन्नति दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी महत्वाकांक्षी नल जल योजनाओं का 28 को करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 28 अगस्त को हर घर नल का जल के कई योजनाओं का विधिवत रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करने वाले हैं, जिसमें पंचायती राज, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और नगर एवं विकास विभाग की योजनाओं को शामिल किया गया है। तीनों विभाग द्वारा इसकी तैयारी जोर शोर से जारी है। जानकारी के अनुसार 28 को इस योजना के तहत वार्डों में बने शिलापट का भी लोकार्पण किया जाएगा। इस शिलापट पर योजना से संबंधित विषय जानकारी मुहैया करवाई जाएगी और इसको करने की बात भी कही गई है। यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्र में 1,14,000 और शहर के 3,000 से ज्यादा वार्ड में योजनाएं चलाई जा रही है। 70% से अधिक वार्डों में नल से जल की पहले से ही शुरू कर दी गई है। पितृपक्ष मेले के आयोजन को लेकर कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। कोविड-19 के माहौल को देखते हुए जहां सरकार ने पितृपक्ष मेले के आयोजन से साफ इनकार कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पत्र लिखकर कोविड-19 के माहौल के बीच स्थगित किए गए पितृपक्ष मेले की गाइडलाइन के आलोक में आयोजित कराने हेतु अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि भगवान विष्णु के चरण स्थली गया धाम में हर साल लाखों श्रद्धालु अपने पूर्वजों को पिंडदान करने आते हैं। इसके कारण गया जिले में प्रतिवर्ष पितृपक्ष मेले का आयोजन से तीर्थ पुरोहित, गया पाल, पंडा एवं पूजा सामग्री विक्रेता एवं अन्य हजारों परिवारों की रोजी रोटी चलती है। वैसे ही कोविड-19 के कारण लॉकडाउन में पिछले 4 महीने से अधिक समय में रोजी रोटी एवं व्यापार में कमी के कारण आर्थिक तंगी की दंश झेल रहे हैं। ऐसे में हर साल की तरह इस साल भी पितृपक्ष के मेले का आयोजन आवश्यक है। बिहार में दुकान खोलने के समय को किया गया तय। बिहार में कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाने के लिए अब दुकानों को खोलने के नियम में बदलाव किया गया है, जिसके तहत प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके तहत राज्य में फल, सब्जी, मीट और मछली की दुकान से सुबह में खुलेंगी, शाम में खोलने की इजाजत नहीं होगी। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा है कि फल, सब्जी, मीट, मछली की दुकान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही खोलने का आदेश दिया गया है। यह पूरे राज्य के लिए ही आवश्यक सामग्री में शामिल दूध, किराना दुकान, दवा दुकान के सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगी। वहीं जिन इलाकों में दवा दुकान 24 घंटे खुले होते हैं वहां पहले की तरह खोले जाएंगे। अन्य दुकान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जीतन राम मांझी भी जुड़े वर्चुअली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत 2 दिन पहले राजद को छोड़ने
करने वाले हम प्रमुख जीतन राम मांझी भी वर्चुअल तौर पर जुड़े थे। उनके आने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मांझी जी अब यही हैं, आप मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि आप हमारे साथ में हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री विभागीय कार्यक्रम के समापन से ठीक पहले चौंकते हुए उन्होंने यह बातें कही हैं। मुख्यमंत्री को भी कार्यक्रम में मांझी की मौजूदगी का पता तब चला जब धन्यवाद ज्ञापन की बारी आई और बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के MD संदीप कुमार और पुद्दुक्कल कट्टी ने कार्यक्रम में मौजूदगी के लिए मांझी का आभार भी व्यक्त किया है। इसके साथ ही आमतौर पर मुख्यमंत्री भाषण की शुरुआत में सभी प्रमुख लोगों का नाम लेते हैं, पर उनकी जो लिस्ट दी गई थी उसमें मांझी का नाम नहीं था, मगर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पता चला कि मांझी भी सम्मिलित हुए हैं तो उन्होंने उनका खास तौर पर आभार व्यक्त किया। लोकसभा चुनाव में घटा जेंडर रेशियो, बिहार में एक साल में कई जिलों की वोटर लिस्ट में जेंडर रेशियो में गिरावट दर्ज की गई है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर अप्रत्याशित रूप से बीते लोकसभा चुनाव की तुलना में 2020 की वोटर लिस्ट में जेंडर रेशियो में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि कई जिले ऐसे भी है जहां इसमें कोई अंतर नहीं देखा गया है, वहीं कई जिलों में इसमें वृद्धि भी दर्ज की गई है। दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग ने महिलाओं से वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने की अपील की है। चुनाव आयोग की कोशिश है कि चुनाव में वोटर लिस्ट में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो। जिले में जेंडर रेशियो में आई कमी के पीछे निर्वाचन विभाग के पदाधिकारी कई कारणों को अहम मान रहे हैं, जिसमें के तहत यह कहा जा रहा है कि यह संभव है कि शादी विवाह के कारण महिलाएं एक से दूसरे जिले में चली गई हो और उनका नाम गृह जिले की वोटर लिस्ट से हट गया हो। दूसरा तर्क यह दिया गया है कि जहां जेंडर रेशियो में कमी आई है वहां बिहार से आए पुरुष मतदाता अधिक संख्या में वोटर लिस्ट में जुड़े हो सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6000 करोड़ से अधिक की सब्सिडी देने का किया दावा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा सब्सिडी देने का दावा किया है, जिसके तहत किसानों पर बिजली बिल का प्रभाव कम देखने की बात भी कही गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के दौरान कहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि फ्री में बिजली दे दीजिए, हम तो बिजली पर राज्य के उपभोक्ता को हर साल 6000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं और यही कारण है कि किसानों को बहुत कम बिजली बिल देना पड़ता है। सरकार 6.50 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीद रही है, लेकिन किसानों को सिंचाई कार्य के लिए प्रति यूनिट सिर्फ 85 पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए डीजल 100 की जगह सिर्फ 5 रुपए ही खर्च करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया है कि सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को बिजली का लाभ मिले, बिजली की दिक्कत किसी को ना हो। मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि अब सरकार सौर ऊर्जा पर जोर देने की कोशिश कर रही है। देवेंद्र फडणवीस ने बिहार की जनता को किया डिजिटली संबोधित। भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन बीते दिन करवाया गया था, जहां पर प्रदेश कार्यालय में आयोजित इस बैठक में वर्चुअल तरीके से सभी नेता एक दूसरे से जुड़े थे। भाजपा कार्यालय में भाजपा पदाधिकारी फिजिकल तौर पर मौजूद हुए थे, सोशल डिस्टेंसिंग के तहत उन्होंने वहां पर बिठाया गया था। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, बिहार भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव, मंत्री नंद किशोर यादव और प्रेम कुमार सहित सभी पदाधिकारी भाजपा कार्यालय में मौजूद दिखे। वहीं बिहार भाजपा के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, BL संतोष समेत कई नेता भी वर्चुअल तरीके से इस बैठक का हिस्सा बने थे। बैठक में भाजपा के आगामी कार्यक्रम को लेकर बातचीत हुई, साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई। वहीं इस बैठक के दौरान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं बिहार की धरती को नमन करता हूं, मैं बिहार की जनता को डिजिटल प्रणाम करता हूं। उन्होंने कहा कि PM नरेंद्र मोदी ने कई अहम फैसले लिए हैं और 15 साल में बिहार को बदल दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रारंभिक स्कूल टीचरों को लेकर जारी किया अहम आदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक की बहाली को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब केवल बिहार के निवासी को ही प्रारंभिक स्कूल में शिक्षक बनने का मौका दिया जाएगा। राज्य के करीब 72,000 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर सिर्फ और सिर्फ बिहार के निवासी की बहाली ही की जाएगी। इस फैसले के साथ ही इन स्कूल में दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया। शिक्षा विभाग ने इस प्रावधान को लागू कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 2006 में राज्य में लागू माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन में यह व्यवस्था लागू है, जिसकी वजह से सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को ही मौका मिलता है। मगर साल 2012 में लागू नियमावली में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से दूसरे राज्यों के बॉर्डर इलाकों में पड़ोसी राज्यों के कुछ शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है, मगर अब सरकार ने इसको लेकर पूरी तरीके से स्पष्टता जारी कर दी है। नेपाल और देश के दूसरे राज्यों में इम्यूनिटी बढ़ाने में कारगर साबित हो रहा है भागलपुरी केला। दूसरे राज्यों के साथ नेपाल को भी दुरुस्त बना रहा है। यह केला इम्यूनिटी बढ़ाने में बेहद ही कारगर साबित होता है। इसमें कीट का प्रभाव कम होने के साथ ही साधारण केले की तुलना में इस केले के अधिक होने के कारण इसकी मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके बाद बिहार सरकार ने भी इस पौधे को बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के माध्यम से कटिहार, भागलपुर, पूर्णिया और खगड़िया जिलों में 6 लाख पौधे आवंटित करवाए हैं, जहां से किसानों के बीच अनुदान पर पौधे बांटे जा रहे हैं। वहीं इस बाबत कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया है कि जी 9 केला काफी महत्वपूर्ण है। साधारण पौधे में एक खाने में 100 के आसपास केले होते हैं, वहीं जी 9 में 156 से लेकर 170 केले होते हैं। इतना ही नहीं, इसका दाना मोटा होता है और यह पौधा 11 से 12 महीने में फल देने लगता है, जिसमें इम्यूनिटी बढ़ाने में अधिक क्षमता होती है और यह पौधा पूरी तरीके से सक्षम होता है।
कोविड-19 के माहौल के बीच पटना में डेंगू के मरीजों के लिए शुरू हुई तैयारी। कोविड-19 के बीच राजधानी पटना में अब डेंगू ने दस्तक दे दी है। मिली जानकारी के अनुसार पटना के पीएमसीएच में इन दिनों कोविड-19 मरीजों की बहुत इजाफा हुआ है। वहीं डेंगू की आने वाली समस्या को ध्यान में रखते हुए अगले हफ्ते से पीएमसीएच में डेंगू की जांच और उसके लिए स्पेशल वार्ड की शुरुआत करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ज्ञात हो पटना के अलग अलग मोहल्ले में डेंगू के मरीज पाए जा रहे हैं। कंकड़बाग में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी, जबकि अभी यह खाजपुरा और उससे सटे अशोकपुरी में भी पहुंच चुकी है। कोविड-19 के माहौल में डेंगू होने से लोगों की परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। पिछले साल पटना में डेंगू से 2000 से अधिक मरीज संक्रमित हो गए थे। वहीं डेंगू का असर सबसे ज्यादा जुलाई से अक्टूबर महीने के बीच में देखने को मिलता है। इस मौसम में मच्छरों के पनपने की परिस्थिति अनुकूल होती है। चार बल्लेबाज रोहित शर्मा को मिला राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान। भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से सम्मानित करने के बाद उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की है, जिसके तहत रोहित ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए अपने प्रशंसकों का समर्थन के लिए शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि यह सब आप लोगों की वजह से ही संभव हो सका है। आपके समर्थन के बिना यह संभव नहीं हो सकता था। मेरा साथ देते रहे, वादा करता हूं कि देश को गौरवान्वित करता रहूंगा, क्योंकि हम सभी कोविड-19 के इस माहौल में घरों में और नियमों का पालन कर रहे हैं, इसलिए आप सभी को वर्चुअल तौर पर गले लगाता हूं। रोहित इस सम्मान को पाने वाले चौथे क्रिकेटर है। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर को 1998 में, महेंद्र सिंह धोनी को 2007 में, विराट कोहली को 2018 में इस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। इस मौके पर बीसीसीआई ने ट्वीट करके रोहित को इस सम्मान के लिए बधाई भी दी है। बीसीसीआई ने ट्वीट करके रोहित को इस बात की बधाई दी है। भारत में बीते 24 घंटे में मिले मामलों के बाद संसाधनों का आंकड़ा पहुंचा 30 लाख के पार। देश में कोविड-19 संक्रमितों के मामले में लगातार तेजी देखी जा रही है। रविवार को 69,239 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद संक्रमितों का आंकड़ा 30 लाख के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में प्रभावितों की संख्या 30,44,940 पर पहुंच गई है, जिसमें से 7,07,668 मरीज फिलहाल सक्रिय है। वहीं 22,80,556 मरीज उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के कुल मामले में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 74.90% पर पहुंच गई है। वहीं जान गंवाने वालों की दर में भी गिरावट दर्ज की गई और यह आंकड़ा 1.86% पर पहुंच गया है। वहीं 23.24% मरीजों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। कोविड-19 के बढ़ते माहौल के बीच आपके इलाके में लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।